नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की वैकेंसी जो 2015 में आई थी, हम सब उस पेपर से सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड का फुल एनालिसिस करेंगे। देखिए, यह जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डेट है 13/9/2015, यानी देखिए 2015 में जो वैकेंसी लेखपाल की आई थी उसी का पेपर हम सब आज देखेंगे। तो देखिए, यह सुबह की पाली का पेपर है, 13/9/2015 को एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 13 सितंबर 2015 को। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखिए उस पेपर में जितने भी ग्रामीण परिवेश खंड से प्रश्न आए हैं, हम सभी उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए यह जो है पेपर है, यह हम सब आज अब हम सब डेली एक एक पेपर जो हम सब प्रैक्टिस सेट इसका साल करेंगे। देखिए, यह पेपर आया हुआ एग्जाम का है, तो चलिए देखते हैं हम सब। देखिए, पहला प्रश्न आया था उसमें पेपर में, यह देखिए पहला प्रश्न था, स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो देखिए बताइए, 556 करोड़ का कि 685 करोड़ का कि 123 करोड़ का कि 315 करोड़ का। देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। तो देखिए, यह जो पेपर आया था, देखिए 2015 के एग्जाम में आया हुआ पेपर था। तो देखिए, यह जो है अब आने वाली यानी जो 2020 में लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो उसमें अब देखिए अब इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। अब देखिए, अब जो नए नए जो योजनाएं हैं उस तरह के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, 2014 का पेपर था तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, इसे बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो क्या है, बताइए। अब देखिए दोस्तों, यह जो है यह प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, 2020 के लेखपाल के लिए। तो इस प्रश्न को बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो क्या है, बताइए। 829 कि 920 कि 620 कि 720। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर, देखिए इसका जो होगा ए सही होगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, जब आप पूरा पेपर इसका देख लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा कि यह पेपर 2015 में लेखपाल का आसान आया था कि कठिन आया था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो पहले आप फुल पेपर को इसको देखिए, पूरा पेपर को। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम सब, तीसरा प्रश्न देखिए आया था, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, बताइए। 100 लीटर कि यहाँ पर देखिए 80 लीटर कि 100 लीटर कि 60 लीटर कि 70 लीटर। तो देखिए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर तीसरे का जो होगा आपका डी सही होगा। तो देखिए, 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जो 2020 तक जो है हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों तक जो है पहुंचाना है, तो जो है 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रयोग मंडल। देखिए, यह 2015 के लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कैसा प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल है, बताइए। 27 है कि 32 है कि 23 है कि 18 है। देखिए, यह तो सभी जानते हैं, आसान प्रश्न है, यह पूछा था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल जो है 18 मंडल है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, कुल 18 मंडल हैं। तो देखिए, एक बार हम सभी मंडलों को देख लेते हैं, हम एक बार देखिए सभी मंडलों को बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मंडल है आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, श्रीदेवी पाटन, मिर्जापुर, चित्रकूट तथा वाराणसी। देखिए, यह कुल 18 उत्तर प्रदेश के मंडल हैं।
अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए यह प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, बताइए किसके सिवाय, फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर कि नगरीय औद्योगिक संपदाओं में कि सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ कि निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्र। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्र, यानी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में जो है, यहाँ पर देखिए इसके सिवाय जो है सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, छठवां प्रश्न। देखिए यह प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA, देखिए यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम है, देखिए अंग्रेजी में देखिए इसका पूरा नाम जो होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा, प्रारंभ किया गया। बताइए कब उत्तर प्रदेश में MGNREGA प्रारंभ किया गया, 2007 में, 2008 में, 2005 में, 2006 में। तो देखिए 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तो देखिए MGNREGA का जो प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया सन 2006 में किया गया। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, आप इसे बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान, देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, चौथा है कि पांचवा है कि दूसरा है कि तीसरा। देखिए उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह चौथा स्थान है, तो 7 का यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का वर्तमान में चौथा स्थान है। देखिए प्रथम पर जो राजस्थान है, द्वितीय पर मध्य प्रदेश है, तृतीय पर महाराष्ट्र, इसे भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर हमारा यह उत्तर प्रदेश राज्य, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए यह प्रश्न आया था, नौवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय है 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है, बताइए 25,000 रुपया कि 28,000 रुपया कि 20,000 रुपया कि 18,000 रुपया। तो देखिए यह जो है वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपया है। तो नवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली गई में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL की ने जो निश्चित की गई वार्षिक परिवार आय का स्तर है वह 20,000 रुपया है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है। देखिए यह प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, बताइए उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र इंजन कहाँ पर है, इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, अलीगढ़ क्षेत्र में कि फतेहपुर क्षेत्र में कि मुगलसराय क्षेत्र में कि कानपुर क्षेत्र में। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर मुगलसराय क्षेत्र में हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो है मुगलसराय यानी जो वाराणसी क्षेत्र में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, 10वां प्रश्न। देखिए यह प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, बताइए 1952 में कि 1956 में कि 1945 में कि 1947 में। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो पारित किया गया था सन 1945 में पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है, बताइए 25% 75,000 रुपया कि 33% 77,000 रुपया कि 25% 10,000 रुपया कि 33% 10,000 रुपया। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 25% 75,000 रुपया। तो देखिए अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थी के लिए उपलब्ध इकाई प्रतिशत में अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी जो धनराशि है 25% 7500 है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, आप जरा इस प्रश्न को बताइए, इसका प्रश्न सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? बताइए, दैनिक की, त्रैमासिक की, साप्ताहिक की, पाक्षिक? तो देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, दैनिक। यानी देखिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है, यानी देखिए जिसको मिड डे मील प्रोग्राम भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है मध्यान्ह भोजन को पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान जो है रखने के लिए जांच पड़ताल जो है दैनिक जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसे बताइए। देखिए यह प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? बताइए, NIC की, अर्थशास्त्र की, कोसवानी की सृष्टि? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए वह जो वेबसाइट तैयार की गई है सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए स्वास्थ्य तथा सरकारी देखरेख में, तो देखिए वह कोसवानी वेबसाइट तैयार की गई है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। देखिए यह प्रश्न पूछा गया था, मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था? बताइए मध्य भारत में जो है एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था? 0.2529 हेक्टेयर के, कि 0.4425 हेक्टेयर के, कि 0.2025 हेक्टेयर के, कि 0.3058 हेक्टेयर के? तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मध्य भारत में जो है एक बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता था, इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ये बताएगा कि 2015 में यह जो लेखपाल का पेपर आया था कठिन आया था कि आसान आया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और देखिए इसी मॉडल का पेपर जो है 2020 में भी आने वाला है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, इसे बताइए, कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? बताइए उत्तर प्रदेश में किस शास्त्रीय नृत्य का उद्भव हुआ? कुचिपुड़ी का, कि घूमर का, कि कथक का, कि भरतनाट्यम का? देखिए 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कथक का। तो देखिए कथक का उद्भव उत्तर प्रदेश में, और देखिए कुचिपुड़ी का जो संबंध है वह आंध्र प्रदेश में, और घूमर का जो संबंध है राजस्थान में, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में होगा। तो देखिए यह शास्त्रीय नृत्य है सभी, तो कुचिपुड़ी कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश होगा। घूमर कहाँ होगा? राजस्थान होगा। कथक उत्तर प्रदेश में, और भरतनाट्यम जो होगा आपका तमिलनाडु में होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, इसे बताइए, जमाबंदी से क्या तात्पर्य? बताइए जमाबंदी से क्या तात्पर्य? कृषि प्रलेख से, कि मैपिंग सीट से, कि भू अधिकारों के प्रलेख से, कि पटवारी के नक्शे, कि कपड़े की कापी से? देखिए 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए जमाबंदी का जो यहाँ पर तात्पर्य होगा वह भू अधिकारी के प्रलेख से होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को द्वारा डेली दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल जीके पढ़ाया जाता है, और रात 8 बजे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसलिए आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 17, देखिए यह प्रश्न पूछा गया था, SGSY का पूर्ण रूप है? बताइए SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, कि स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना है, कि स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना है, कि स्वर्ण जयंती ग्राम सेवा योजना है? तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, SGSY का जो पूरा नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए दोस्तों यदि आप सभी केंद्र सरकार के सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो है लेक्चर वाइज इन सभी पर वीडियो बना दिया है सभी योजनाओं पर, तो यदि आपको वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी योजनाओं को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 18, आप इसे बताइए, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? बताइए किस मंडल को जो है विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? अलीगढ़ मंडल को, कि आजमगढ़ मंडल को, कि मिर्जापुर मंडल को, कि देवीपाटन मंडल को? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए मिर्जापुर मंडल को जो है विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। यानी यह जो प्रश्न है यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, इससे बताइए, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में
898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुँचा, यानी बताइए 2001 में जो 898 था लिंगानुपात, तो 2011 में कितने तक पहुँच गया 898 से 925 तक, 930 तक, 912 तक, 922 तक। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वह जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। यह प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिले सबसे अधिक संख्या में है, बताइए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिले सबसे अधिक संख्या में है, चावल के कि इस्पात बेलनी के कि कपड़ा के कि चीनी के। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है चीनी की मिले सबसे अधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 ऐसे बताइए BPL सूची से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई, बताइए समाजवादी पेंशन स्कीम की मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की समाजवादी आवास योजना की प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखिए 21 का जो होगा यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो देखिए यह जो है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समाजवादी पेंशन स्कीम, देखिए 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, बताइए चंदौली जिला न्यायालय की पीलीभीत जिला न्यायालय की बांदा जिला न्यायालय की इटावा जिला न्यायालय। तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में जो कार्य करता है इटावा जिला न्यायालय करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है इसे बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, बताया राज्यपाल के द्वारा कि लेखपाल के द्वारा कि काजी के द्वारा कि लिपिक के द्वारा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण का कार्य जो है लेखपाल के द्वारा किया जाता था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है इसे बताइए राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, बताइए राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है, 62 की 29 की 40 की 31। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं कुल 31 है और लोकसभा की 80 सीट है, तो यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितने है तो 31 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए दोस्तों कुल जो है 25 प्रश्न पूछा गया था सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड में, आज हमें जो है इसमें 24 प्रश्न हमको मिला है। देखिए एक प्रश्न जो है नहीं यहाँ पर देखिए टाइप हो पाया है। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आप डेली दोपहर 12 बजे यदि आप इसी तरह लेखपाल का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।